जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा झारखंड विधानसभा के कांग्रेस विधायक दल के उपनेता बनाए जाने पर विधायक प्रदीप यादव का देवघर आगमन पर अभिनंदन व स्वागत समारोह आयोजित कर उनका स्वागत किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे मुन्नम संजय ने कांग्रेस के आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, के सी वेणुगोपाल, झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को आभार प्रकट करते हुए कहा कि एक कुछ सोच और एक सही निर्णय के तहत एक कर्मठ और निष्ठावान नेता को विधानसभा के विधायक दल के उपनेता बनाकर हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक ताकत दिया है। आज हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह बढ़ा है। इनके द्वारा झारखंड का और झारखंडियों की समस्या को विधानसभा के पटल पर ईमानदारी पूर्वक रखा जाएगा। देवघर जिला के संगठन को और मजबूती मिलेगी। मैं प्रयास करूंगा, जो मेरा जीवन का अनुभव रहा है राजनीति का, उस अनुभव का पूरा उपयोग करूं और पूरे तन मन से परिश्रम करके झारखंड के एक एक गांव तक कांग्रेस के विचार को पहुंचाऊं, क्योंकि इस देश का विकल्प कांग्रेस है। मैं एक ही पंक्ति जानता हूं, इस देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। देश की परिस्थितियों से लोग जूझ रहे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सर चढ़ के बोल रहा है, किसानों की बातों की अनसुनी हो रही है, जो इस देश का रीढ़ है, मजबूत स्तंभ है, चंद कारपोरेट घराने के लोग इस देश की पूरी संपत्ति को मुट्ठी में कैद करना चाह रहे हैं और यह सरकार उसी को तवज्जो दे रही है। इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक ही विकल्प है, वह कांग्रेस। हम कांग्रेस को मजबूत करने में लगेंगे, जो कांग्रेस ने हमें भूमिका दी है बखूबी उसे निभाने का प्रयास करेंगे। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ देवघर के तमाम कांग्रेस जनों का, इन्होंने मुझे सम्मान दे करके मेरे उत्साह को बढ़ाने का प्रयास किया है, मुझे ऊर्जा देने का प्रयास किया है। थैंक यू।